नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, वैकेंसीज एक बार फिर से यहाँ पर रिलीज कर दी गई। रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आ चुका है दोस्तों। इस बार जो वैकेंसीज यहाँ पे जो रिलीज की गई, हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय गंजबासौदा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, केवी गंजबासौदा मध्य प्रदेश शासन के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुका है। इसमें अलग अलग पोस्ट यहाँ पर शामिल कर ली गई। इसमें टीचर्स के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहेगा, साथ ही साथ नर्स जैसी पोस्ट भी यहाँ पर आ चुकी हैं। और भी अलग अलग तरह के पोस्ट यहाँ पर शामिल इंक्लूड यहाँ पर कर ली गई। ये ऑल इंडिया भर्ती है। आप किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल, तो महिला और पुरुष दोनों इन वैकेंसीज के लिए आप लोग अप्लाई करें। और मात्र एक इंटरव्यू में आपको यहाँ पे शामिल होना है। इंटरव्यू के बेसिस पे जॉइनिंग आपको दे दी जाएगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आगे आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स और अन्य वैकेंसीज की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों, डायरेक्टली आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में आ जाना है। यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लिखा भी हुआ है एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इंटरव्यू सेशन, आपको बता दिया गया। और PDF फाइल आप लोगों को दे दी गई, भर्ती का विज्ञापन आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से नोटिफिकेशन को ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे रहने वाला है। और हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है केंद्रीय विद्यालय गंजबासौदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश शासन के तहत इंटरव्यू की सूचना आप लोगों को दी जा रही। अभी हाल ही में ये जानकारी ऑफिशियली आपको वेबसाइट पर दे दी गई है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, बोला जा रहा है 2022 से 2023 सेशन के लिए संविदा के आधार पे ये वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की जा रही है। और केंद्रीय विद्यालय गंजबासौदा में निम्नलिखित अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। तो कौन कौन सी पोस्ट है और इंटरव्यू की डेट क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग इसमें यहाँ पर प्राप्त कर लें। और इसमें देखिए TGT की वैकेंसी है, साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बताए दिए गए, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये सभी तरह के पद हैं। तो आपको 23 मार्च 2022 को इंटरव्यू आपको यहाँ पे शामिल होना होगा। और इसके बाद बाकी के जो पोस्ट हैं, प्राथमिक शिक्षक, तो प्राइमरी टीचर, संगीत शिक्षक की है, और नर्स महिला, तो यहाँ पे नर्स की पोस्ट भी यहाँ पे आ चुकी है। तो नर्स वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे और अपना इंटरव्यू में शामिल होंगे। और जितने भी नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं, आपको 24 मार्च 2022 इस डेट तक आपको यहाँ पे 24 मार्च 2022 को आप लोगों को इंटरव्यू में शामिल आपको होना है। अब दोस्तों, इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इंटरव्यू से प्राप्त पैनल को नियमित शिक्षा की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने पर आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लिया जाएगा। तो पोस्ट खाली यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इच्छुक एवं निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी पद के सम्मुख अंकित दिनांक, तो जो भी आपको डेट दी जा रही है पोस्ट वाइज, आप लोगों को उस दिन इंटरव्यू में शामिल होना है। और भरे हुए आवेदन के साथ समस्त शैक्षणिक दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, छायाप्रति को संकलन कर समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति सहित विद्यालय में 9 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवाकर इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी आपको डेट यहाँ पे दी गई है आपको पोस्ट वाइज, तो जो भी पोस्ट के लिए आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाने हैं, और फोटोकॉपी का सेट भी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैरी करके ले जानी है। और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी फोटोकॉपी और ओरिजिनल फॉर्म में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग कैरी करके ले जाएँ। टाइमिंग्स आपको बता दिए गए, आप लोग जो है 9 बजे से 10 बजे के बीच आप लोग सबसे पहले विद्यालय में पहुंचकर आप लोग अपना इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है, आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहां से आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड कर लें और उसको इंटरव्यू वाले दिन आप लोग ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर कैरी करके ले जाएँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल और फोटोकॉपी का सेट, ये आपको लेकर जाना है।
और इंटरव्यू की जो भी डेट आपको यहाँ पे दी गई 9 बजे से 10 बजे के बीच, आप लोग सबसे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और अपना इंटरव्यू दे दें। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ दी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी वैकेंसी का अपडेट आगे आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स और हर वैकेंसी की जानकारी आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।